वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर सेट से रिलेटेड आखिरी लास्ट क्वेश्चन है जो 28 क्वेश्चन है आपके पेपर सेट का, जिसमें आपका डबल बार ग्राफ से संबंधित है। पहला 28 क्वेश्चन में दिया हुआ है, द फॉलोइंग डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स टेस्ट मैचेस रिजल्ट समरी फॉर क्रिकेट टीम ऑफ कंट्री एक्स अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि कंट्री एक्स के अगेंस्ट दूसरी अलग कंट्री के अलावा उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरफ वर्टिकल लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस, तो कितने नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस हुए, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 तक की एक रेंज दी हुई है, जिसमें इधर कंट्री दी हुई है ए बी सी डी ई एफ जी, कंट्री एक्स के अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज दी हुई है। तो जिसमें मैच जो दिया हुआ है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये जो ब्लू कलर है ये जीतने का विनिंग का संकेत है, और रेड कलर जो बॉक्स है ये लॉस्ट का संकेत दे रहा है, मतलब कि हारने का संकेत है। तो कंट्री ए में यहाँ पे कंट्री ए है और कंट्री बी है, कंट्री सी है, कंट्री डी है, कंट्री ई है, कंट्री एफ है, कंट्री जी है। कंट्री ए में कंट्री ए जो है वो 15 मैचेस जीती है और जिसमें से 32 मैच हार गई है, और कंट्री बी जो है 16 मैच जीते हैं और जिसमें से 34 मैच हार गए हैं। इसी तरीके से कंट्री सी में कंट्री सी जो है 14 मैच जीते हैं और कंट्री सी जो है 8 मैच हार गई है। कंट्री डी जो है 7 मैच जीते हुए हैं और 11 मैच हारे हुए हैं। कंट्री ई जो है 3 मैच जीते गए हैं और 6 मैच हारे हुए हैं। इसी तरह से कंट्री एफ जो है 10 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हुए हैं। कंट्री जो है 10 मैच जीते हैं और 30 मैच हार गए हैं। तो क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ पहले से नंबर इंडिकेट है, आपको दिए गए क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे इधर वाला कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल लाइन जो है नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन दिया द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वोन एंड लॉस्ट इज द हाइएस्ट फॉर विच कंट्री अगेंस्ट कंट्री एक्स। कंट्री एक्स के अगेंस्ट कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें जीतने की संख्या और हारने वाली संख्या के बीच का जो डिफरेंस है जिसका सबसे हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट की बात कर रहा है, तो जीतने वाले और हारने वाले कंट्री के बीच में कितने का गैप हो रहा है, जिस कंट्री का हाईएस्ट और हाईएस्ट सबसे ज़्यादा होगा जीतने में और हारने में, तो वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखना है, देखिए इसमें 15 और 32 कंट्री ए में इसमें कितने का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर इन दोनों में जो गैपिंग हो रही है वो 17 का हो रहा है, और 16 और 34 में कितने की गैपिंग हो रही है, 34 में 16 माइनस करते हैं तो 14 में 6 गया 8 और ये हो जाएगा 18। तो इनके बीच में 18 का गैप है, और 14 और 8 में कितने का गैप हो रहा है, 6 का गैप है इसमें, और 7 और 11 में कितने का गैप है, 4 का गैप होगा इनमें, 4 का गैप है इसमें, कितने का गैप है, 3 का गैप है इसमें, कितने का गैप है, 7 का गैप है, और इसमें जो है 20 का गैप है। आप ये समझ लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी इतने कंट्रियों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गैप किसका है, 20 का गैप है, ये 20 जो है सबसे हाईएस्ट गैप है, यानी कि आंसर जो होगा कंट्री जी होगा। तो इस ए वाले का जो आंसर हुआ वो कंट्री जी होगा, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हाईएस्ट है, यानी कि जीतने का और हारने का दोनों के बीच का जो गैप है वो 20 का बन रहा है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वोन एंड लॉस्ट, जीतना और हारने के बीच का हाईएस्ट
डिफरेंस होना चाहिए फॉर विच कंट्री अगेंस्ट कंट्री एक्स के अगेंस्ट। अब यहाँ पे बोला नंबर ऑफ विंस ऑफ कंट्री ई, कंट्री ई की बात कर रहा है, ये कंट्री ई यहाँ है, कंट्री ई जो है, जो कंट्री सेम जीतने वाली कंट्री ई, मतलब कंट्री ई में जीतने नंबर ऑफ टेस्ट मैच कितने जीते हैं, और वही सेम नंबर ऑफ लॉसेस होना चाहिए किस कंट्री के अगेंस्ट, कंट्री एक्स के अगेंस्ट। ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें जीतने वाली जो संख्या है हारने वाली संख्या से सेम हो। तो यहाँ पे देखिए, इसमें इसमें देखिए कंट्री ई जो है, कंट्री ई में जीतने वाली संख्या कितनी है, तीन है, और इसमें देखिए कंट्री हारने वाली संख्या कितनी है, तीन है। तो यानी कि हमें यही पता करना है जीतने वाली संख्या हारने वाली संख्या सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस सेम होना चाहिए किस कंट्री के साथ हो रहा है। कंट्री ई में जीतने वाली संख्या तीन है और कंट्री एफ में हारने वाली संख्या तीन है। तो इस तरह से आंसर इसका आएगा एफ। तो कुल मिला के बी वाले का जो आंसर होगा वो एफ होगा। तो इसका ई, ई के अगेंस्ट एफ होगा, यानी कंट्री ई के अगेंस्ट एफ कंट्री होगी। तो ये इसका आंसर है। बस इसमें डबल बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से इन सवालों को आप लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।